आसानी से अगर सीरियल के वैम्प और विलन हीरो हीरोइन की लाइफ से गायब हो जाते हैं तो फिर क्या होता। इसीलिए राधा जी आपके लिए वर्ड ऑफ कॉशन कि दामिनी ये जो सलाखों के पीछे गई है इसको इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि सीरियल की वैम्प है, ये कब आ जाए आपकी रंग में भंग डालने लाइफ में क्या पता। हमारी माँ जी नहीं पूछ, इन्होंने खीर में जहर नहीं मिला, खीर में जहर तो दामिनी जी ने मिला। गिरफ्तार करना ही है ना आपको, तो उन्हें ही करिए, बहुत चाहते हैं। जिसने गुनाह किया है उसे उस गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए। सो देखिए, हे दामिनी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। हे पहले तो पुलिस को लगा था कि राधा के जहर खाने की वजह हे मोहन की माँ है, लेकिन जब राधा ने हे पुलिस को ये कहा कि मुझे जहर देने वाली हे मेरी सास नहीं बल्कि दामिनी है। तब देखिए ये दामिनी कैसे सलाखों के पीछे पहुंच गई। अच्छा तो काफी राधा को लग रहा है कि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब मोहन जी को भी पता चल चुका है कि दामिनी इज द एक्चुअल कल्प्रिट और उन्होंने ही खीर में जहर मिलाया था। इतना राधा के बोलने के बाद जाकर सब समझे हैं, माने हैं चीज़ों को। अब दामिनी को सब डांट रहे हैं, सब समझा रहे हैं कि जो तुमने किया बहुत गलत किया है। मोहन ने आज हे दामिनी को भी बातें सुनाई, लेकिन यहाँ पर ना हे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। हे सासू माँ भी राधा को मारने लग गई है और मोहन ने भी राधा को अपना ही लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दामिनी की माँ सबके सामने ये कह दे कि खीर में जहर उसने मिलाया था। अपनी माँ को बचाने के लिए दामिनी ने माँ का इल्जाम अपने सर ले लिया है। अपने पर झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी, हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। कह दो सबको कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना दामिनी घर में रहकर मोहन पर अपना हक कैसे जताएगी। दो दो हीरोइन के बीच में ये हीरो कैसे पिसेगा। कोई ना कोई यहाँ पे खिचड़ी तो है दामिनी के मन में, जो किसी को भी बता नहीं रही, शायद अपनी मम्मी को भी उसने नहीं बताया होगा। इतनी आसानी से तो वो मानने से रही। अब तो ये बात तो पक्की है कि होगा जरूर कुछ, लेकिन क्या होगा ये तो भाई अभी हम भी नहीं जानते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।